नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रशांत शुक्ला आपकी अपनी चैनल डॉक्टर प्रशांत शुक्ला आयुर्वेदाचार्य पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, बहुत समय हो गया, आप लोगों को भी लग रहा होगा बहुत समय हो गया। एक कंसिस्टेंसी प्रभावित हुई मेरे वीडियोस की कुछ इमरजेंसी वर्क के कारण। आज फिर मैं हाजिर हूं आपके सामने एक नया विषय लेके, एक बहुत ही बड़ा विषय लेकर, एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय लेकर, जिससे न केवल भारत अपितु पूरा विश्व बहुत ज्यादा प्रभावित है, बहुत ज्यादा परेशान है। उस डिसीज का नाम है मधुमेह या डायबिटीज। दोस्तों, आज का जो मेरा विषय है, आज जो मैं आपको बताने वाला हूं, डायबिटीज के विषय में तो आप सब लोग जानते ही होंगे, ठीक है। ब्लड शुगर बढ़ जाती है और पाचन सही ना होने के कारण ये चीज होता है। इंसुलिन सही ढंग से सीक्रेट नहीं होता शरीर में, तो होता है। और एक और विशेष प्रकार का डायबिटीज होता है जिसमें पेशाब की मात्रा ज्यादा होती है और व्यक्ति परेशान रहता है। और एक इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटिस होता है, नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटिस होता है। और उसके कॉम्प्लिकेशंस भी बहुत सारे होते हैं कि जैसे व्यक्ति को हार्ट अटैक का खतरा भी हो जाता है, कई व्यक्तियों को सूजन बढ़ने लगती है, झुंझुनी आने लगती है, टिम्बलिंग सेंसेशन होने लगता है, दुबले पतले होने लगते हैं, हड्डियों में दर्द बढ़ने लगता है। यदि कहीं पर कुछ लग जाए, जैसे अंगूठे में कुछ लग गया या कहीं भी कुछ लग गया, कट लग गया, तो एक तो घाव जल्दी भरता नहीं, दूसरे यदि ब्लड शुगर बढ़ी ही रहे, कंट्रोल नहीं हो रही है, तो वहां पर सेल्यूलाइटिस, गैंग्रीन, नेक्रोसिस, दूसरी चीजें होने की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, जिससे अंगों को काटने तक की नौबत आ जाती है, यानी एम्पुटेशन करने तक की नौबत आ जाती है। तो इन चीजों से कैसे बचना चाहिए, तो आज जो विषय है वह है इसका सरल, सस्ता, सफल घरेलू नुस्खा। दोस्तों, मुझे अपने चिकित्सा काल में, यानी कि मैं डेली प्रैक्टिस में बहुत से रोगियों को देखता हूं जो कि डायबिटीज से पीड़ित रहते हैं, डायबिटीज मेलाइटिस से पीड़ित रहते हैं, मधुमेह से पीड़ित रहते हैं, और उनमें से अधिकतर पेशेंट बहुत ज्यादा गरीब होते हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन होते हैं, है ना, बहुत ज्यादा गरीब होते हैं। उनके पास इतना पैसा भी नहीं होता तो कि वो रेगुलर मेटफॉर्मिन या दूसरी कोई गोली ब्लड शुगर के लिए ले सकें। तो आयुर्वेदिक दवाइयां महंगी आती हैं, चाहे बसंत कुष्माकर रस हो, मधुमेहारी हो, मोती भस्म, प्रवाल, ताप्त्यादि लोह जैसी चीजें, तथा BZR-34 जैसी गोलियां भी, जो पेटेंट मेडिसिन हैं, वो भी बहुत महंगी पड़ती हैं। तो उन पेशेंट्स के पास 200 रुपए भी खर्च करने के लिए नहीं होता। तो ऐसे पेशेंट्स के लिए मैं क्या कर सकता हूं, ये सोच के मैंने बहुत गहन अध्ययन किया। उसके बाद मुझे एक लेख मिला कल्याण पत्रिका में, जिसमें इसका बहुत ही सरल नुस्खा बताया गया था, इतना सरल कि शायद आप कल्पना भी नहीं कर सकते। और वही नुस्खा मैंने ढेरों पेशेंट्स पर प्रयोग किया और उन पेशेंट्स ने दूसरों को भी वो नुस्खा सजेस्ट किया और ढेरों पेशेंट ठीक हुए हैं, कंप्लीटली ठीक हुए हैं। आज दुआ मिलती है मुझे, उनका आशीर्वाद मिलता है, वो कहते हैं कि डॉक्टर साहब आपने वो काम किया जिससे हमारे पैसे भी लूटने से बच गए और हम पूर्णतः ठीक हो गए। तो वही चीज आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं, गरीब हो या अमीर हो, इसका प्रयोग करके पूरी तरह स्वस्थ हो सकते हैं। यह चीज है एक हरी सब्जी, एक विशेष प्रकार की हरी सब्जी जिसे हम लोग करेला बोलते हैं। करेला, करेला 5 किलो आप ले लीजिए करेला, और उस करेले को लंबी फांक उसकी काट लीजिए, एक करेले के 2 टुकड़े कर लीजिए, एक लंबी फांक उसकी काट लीजिए बीच से आधा आधा, और ऐसे 5 शेर करेलों को आप काट लीजिए और छाया में रख दीजिए, कपड़े पर, एक साफ सुथरे कपड़े, मोटे कपड़े पर उसको रख दीजिए, उसको सूखने दीजिए। विशेष चीज ये ध्यान रखें कि धूप में इस करेले को नहीं सुखाना है, इसको छाया शुष्क ही करना है, छाया में ही सुखाना है, उसको सूखने दीजिए। जब वह सूख जाए तो उसमें से आधे से करेले, तो जो टुकड़े होंगे करेले के टुकड़े, वो सड़ जाएंगे, गल जाएंगे, खराब हो जाएंगे, उनको फेंक दीजिए। आधे जो बचे रहेंगे उनके छिलके को, जो दानेदार छिलका होता है ना करेला का, उभरा उभरे से दाने रहते हैं उसमें, उस छिलके को चाकू से छीलकर अलग निकाल लीजिए, बाकी चीज को फेंक दीजिए। तो उस छिलके को मिक्सी में, उस छिलके को बारीक बारीक काट के मिक्सी में डालकर आप पीस सकते हैं, और पीसने के बाद जो चूर्ण बनता है, मैंने क्या बोला, करेले को सूखने रख दें, बीच से काट लीजिए, 2 भाग कर लीजिए लंबाई में, फिर उसको सूखने रख दें, जब वो छाया में सूख जाए बहुत दिनों में, तो फिर जितने करेले सही बचे हैं, जो सूख गए हैं सही ढंग से, जो गल गए हैं सड़ गए, उनको फेंक दें।
जो सही ढंग से बचे हैं उनके छिलके को उतार लीजिए चाकू से, केवल छिलका जो दानेदार छिलका है उसे मिक्सी में पीस लीजिए और पीस के जो चूर्ण बनता है उसे एक बॉटल में भर लीजिए। अब आपको ये करना है कि उस चूर्ण को सुबह शाम खाने के 2 घंटे पहले सुबह गुनगुने पानी से या ठंडे पानी से तथा रात में सोने के पहले गुनगुने पानी या ठंडे पानी से 2-2 चम्मच की मात्रा में या 10 ग्राम की मात्रा में सुबह शाम आपको सेवन करना है। दोस्तों ताज्जुब की बात यह है, आश्चर्य की यह बात है कि जो नए डायबिटीज के डिटेक्ट पेशेंट थे, डायग्नोस्ड पेशेंट थे, उन पेशेंट्स में 15 से 30 दिन में ही डायबिटीज खत्म हो गई, डायबिटीज का नामो निशान खत्म हो गया। जो क्रॉनिक पेशेंट्स हैं उन्हें 2 से 3 महीना 4 महीना लगा वो कम्प्लीटली ठीक हो गए और आज तक स्वस्थ हैं, तथा जिन्हें इनसे कॉम्प्लिकेशंस भी क्रिएट हुए थे जैसे हार्ट अटैक है, सूजन आना है, दर्द होना है, झुंझुनी आना है, घबराहट होना है, बेचैनी होना है, ब्लड प्रेशर बढ़ना है, वह भी पूरी तरह खत्म हो गया। तो यदि आप एक्यूट अभी के पेशेंट्स हैं या क्रॉनिक पेशेंट हैं, आप इसका निर्भय होकर प्रयोग कर सकते हैं, इससे कोई साइड इफेक्ट नहीं है और इसका प्रयोग करने से आपकी डायबिटीज का नामो निशान मिट जाएगा। रेगुलरली इसका प्रयोग करिए। परहेज क्या करना है, मूंग की दाल, रोटी, लौकी, परवल, भाजी और मेथी वगैरह आपको खाना है, और आपको मिर्च मसाला, खटाई, ज्यादा तेल की चीजें, मट्ठा, दही और बेसन, मटर, बैगन, सेमी, भिंडी, मीठी चीजें नहीं खाना है। पानी भी उबालकर ठंडा किया हुआ पिए तो ज्यादा बेहतर है और दिनचर्या अच्छी रखें, व्यायाम करते रहें। तो दोस्तों इस नुस्खे से आप बिल्कुल कंप्लीटली डायबिटीज से मुक्त हो जाएंगे। यदि कुछ ही समय का है रोग तो 15 से 20 दिन 30 दिन में कंप्लीटली खत्म हो जाएगा, तथा बहुत लंबे समय का है तो कुछ महीने सेवन करने पर पूरी तरह खत्म हो जाएगा। तो दोस्तों मैं विश्वास करता हूं जरूर आप इसका प्रयोग करेंगे और पूरी तरह इस कठिन, भयंकर और ढीठ बीमारी से पूर्णतः मुक्त होंगे, उसके कॉम्प्लिकेशंस भी खत्म होंगे, उपद्रव भी खत्म होंगे, तथा दूसरों को भी ये वीडियो शेयर करिए ज्यादा से ज्यादा लोगों में, और उन्हें भी सजेस्ट करिए कि वो भी आगे इन वीडियोस को फैलाएं ताकि हमारा भारत और विश्व डायबिटीज से ग्रसित होने से बच जाए, यानी डायबिटीज की खराब बीमारी से मुक्त हो जाए। तो ज्यादा से ज्यादा व्हाट्सएप ग्रुप्स पर, ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर, लिंक्डइन पर, फेसबुक पर और भी जिन सोशल मीडियम से आप जुड़े हो वहां पर मेरे इस वीडियो की लिंक को या वीडियो को डाउनलोड करके शेयर करिए, तथा ज्यादा से ज्यादा लोगों को सजेस्ट करिए कि वो भी आगे शेयर करें ताकि एक चैन बन सके और दूसरे लोगों को भी डायबिटीज से पूरी तरह मुक्ति मिल सके। और दोस्तों यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है मेरा चैनल तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही जादुई नुस्खे मैं बताता हूं जो कि मैंने खुद अपनी डेली प्रैक्टिस में यूज किए हैं और सैकड़ों लोग ठीक हुए हैं और उनका 100% रिजल्ट है। तो ऐसे नुस्खे आप पाने से चूक ना जाएं, ऐसे नुस्खों को आप मिस ना कर दें। तो मेरे वीडियोस को देखने के लिए तथा तुरंत उनकी नोटिफिकेशन और अपडेट्स पाने के लिए मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब करिए, घंटी का निशान जरूर दबाइए ताकि आगामी वीडियोस की नोटिफिकेशन और अपडेट्स आपको तुरंत मिल सके, तथा मेरे वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करिए। वीडियो अच्छे लगते हैं तो लाइक जरूर करें, कमेंट जरूर करें कि वीडियो कैसा लगा और किन टॉपिक्स पर मुझे वीडियो बनाना चाहिए और क्या सुधार करना चाहिए, तथा इन वीडियोस को शेयर भी करिए, कमेंट्स करिए और टॉपिक्स भी बताइए। और यदि आप गंभीर से गंभीर बीमारियों की दवा मुझसे बुलवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर मैंने यहाँ पर नंबर दिया हुआ है, आप इस नंबर यहाँ पर ये नंबर देखकर या मेरे डिस्क्रिप्शन में भी मैंने व्हाट्सएप नंबर दिया है उसमें आप नंबर देखकर मुझे अपनी समस्या और नाम, नंबर, पता, उम्र, समस्या, लक्षण और रिपोर्ट्स वगैरह सभी भेजिए। फिर जब मैं उन्हें देखूंगा तो मैं आपको मैसेज करूंगा कि मुझे कॉल करें, तब आप मुझे कॉल करें, फिर सारी डिटेल्स मैं आपसे लूंगा और बताऊंगा कितने माह आपको दवा चलानी है, उसकी कीमत क्या होगी, उस कीमत को एडवांस पेमेंट करने पर सेकंड डे में आपको दवा भेज देता हूं जो कि 5 से 8 दिन में भारत में पहुंच जाती है, भारत के बाहर पहुंचने में समय लगता है। और विश्वास दिलाता हूं कि गंभीर से गंभीर बीमारियां मैंने ठीक की हैं, आप एक बार विश्वास करिए और दवा बुलवाइए, फिर देखिए आपकी बीमारी जिसमें आप लाखों रुपए खर्च कर चुके हो, 20 साल गवा चुके हो, वो कितने जल्दी और कितने कम पैसे में पूर्णतः ठीक होती है। तो दोस्तों विश्वास करता हूं आप जरूर सब्सक्राइब करेंगे मेरा चैनल, घंटी का निशान जरूर दबाएंगे, शेयर करेंगे वीडियो को, लाइक करेंगे और गंभीर बीमारियों के लिए दवा बुलवा सकते हैं। तो आप सफल रहें, सुखी रहें, समृद्ध रहें, स्वस्थ रहें और सबसे बड़ी बात सरल रहें। थैंक यू सो मच।